और कस्तूरमा गांधी स्कूल है, पुलिस चौकी पंजीठ की है और 80% पंजीठ की जमीन जो है वो सड़क पार करके इधर है। अच्छा, और ये गांव का स्कूल है, गांव में इतनी जमीन पंचायती नहीं है। अगर मान लो अच्छा ये स्कूल है तो भाई ये स्कूल है, इसमें स्कूल अच्छा इंजीनियर है जी। अच्छा ये स्कूल है भाई, इस वीडियो लगे अलग अलग शेयर कर दे। अच्छा जी, गांव में स्कूल नहीं है, पोलिंग सेंटर भी है, चुनाव से जो चुनाव है जो भी है जो वोट पड़ा है वो भी यहीं आते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ ये सब। तो भाई स्कूल में आया, स्कूल में अच्छी पढ़ाई चल रही है। नमस्ते नमस्ते बच्चों। तो भाई बड़े अच्छे, चलो स्कूल में भी आज तो गाँव में स्कूल में भाई बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे कैसे हो? तो भाई देख लो स्टडी चल रही है। कौन सा स्कूल है? क्या पढ़ाई चल रही है? ग्रामर। अच्छी। कैसी चल रही पढ़ाई? अच्छी अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही। क्या क्या पढ़ रहे थे अभी? कौन सी क्लास, कौन सी पीरियड लग रही है फिलहाल जी? आप इंग्लिश का पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश का। इंग्लिश में क्या पढ़ाया मैडम ने जी? पाठ पढ़ाएंगे। अच्छे से पाठ पढ़ाएंगे। चलो भाई देखिए कितने बच्चे स्कूल में, मैडम से बात करेंगे थोड़ी सी और भाई स्कूल की दिखाऊंगा मैं और मैं इन बच्चों से बात करेंगे। हालांकि बच्चे पैदल भी आते हैं कुछ, है ना? हाँ जी भाई, वीडियो ना अकेला अकेला शेयर कर दियो। एक बड़ी समस्या अलीगढ़ का ही है और सरकार बदे एक मांग कर रहे हैं यार, मैडम से बात करेंगे। और काफ़ी जो है पढ़ाई कर रहे थे तो देख सकते हैं आप, काफ़ी यानी कि कितने क्लास के बच्चे हैं भाई? छठी सातवीं। अच्छा कितने तक है स्कूल? ये पाँचवीं के बाद? आठवीं तक। अच्छा आठवीं तक के स्कूल है। और अच्छा सर क्या परेशानी यहाँ पर आप बता रहे हैं कि जो बच्चों को आने की परेशानी लगता है आपको कुछ ऐसा? रोड क्रॉस करने में अच्छा। प्रॉब्लम बच्चों को रोड क्रॉस करके आते हैं ना बच्चे, इसीलिए पहले भी मास्टर जी ने मांग करी। स्कूल नहीं है कोई, स्कूल सड़क पार करके है, ये जूनियर है स्कूल है गांव पंजीठ का। ओ पंजीठ पर। हाँ जी जी, वहाँ से आ गए यहाँ। तो भाई पंजीठ जो, हाँ बिल्कुल भाई, उस तरफ जो है पंजीठ गांव है जो मेन आपको मैंने दिखाया था, बाईपास जो बनने लग रहा है पानीपत और श्यामली को, मतलब मेन जो है बात करें अगर हम ट्रांसपोर्ट की, हरियाणा और यूपी को जोड़ने का काम करता है, तो उस तरफ वो गांव है पंजीठ और इस तरफ ये स्कूल है। स्कूल में बच्चे जब आवे हैं तो रोड क्रॉस करके आना पड़ेगा। अगर जो एक नु कह रहा है कि पुल दे दें या अंडरग्राउंड कुछ भी दे दें तो उसके अंदर ने क्रॉसिंग करेंगे, क्योंकि ऑन रोड है, बड़ा नेशनल हाईवे है और काशकार भी दरगू गुजरे बहुत। हाँ। काशकार भी सारे आते हैं, 80% जमीन काशकारों की पंजीट वालों की दर है। हाँ। आने में दिक्कत रहती है जी, हमने रोड पे ना आने में दिक्कत रहती है जी, एक्सीडेंट हो ले जी कहीं के बोलिए जी। अच्छा, आने में दिक्कत रही जी, हमने पैदल आया भाई। इस वीडियो ना कहीं ना कहीं या वीडियो एक सलूशन करवा सके। अच्छा ये बच्ची भी चोट लगी थी आपको? हाँ जी, रोड पे जी, यहाँ कनपट्टी की हड्डी में बाल आया। मेरी भतीजी है, मैं संभाले की आदत मुझे भगा गए। अच्छा आप स्कूल में आते हो? हाँ जी। कैसे लगी थी चोट जी? मुझे कुछ पता नहीं, याद नहीं, अजी से याद है, ये भी थी साथ में। स्कूल में आ रहे थे आप? हाँ जी। किसी से टक्कर हुई थी जी? मोटरसाइकिल से। अच्छा मोटरसाइकिल से टक्कर हुई? हाँ जी। आप भी थे साथ में? इसके भी लगी थी जी चोट, इसके भी लगी थी। हाँ जी। तो भाई देख सकते हैं और वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि सरकार और प्रशासन और मैं भी बात करने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ के विधायक है कहीं ना कहीं जिस जो जिसके पक्ष में सरकार है भाई उनसे ही सवाल उठाए जाए। सांसद से बात हो रही और जो केंद्रीय मंत्री सारों से, जितने भी आला अधिकारी SDM DM सबसे प्रयास किया जा रहा। 4 महीने से 1 साल हो गए तो चिट्ठी लिख लिख के भेज ली। अच्छा, तो जब उन्हें ध्यान नहीं दिया हमें, इसलिए वो काम रोक गया। माँ बनाई मारे पुल बनना चाहिए, रामडा पंजीठ चुराहे पे ही अंडर पास बनना चाहिए, क्योंकि लोहे का पुल दे दे हमने मना कर दिया, लोहे का पुल से काशकार कहाँ को जाएगा? मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा मैडम अभी बच्चे आते होंगे, कोई परेशानी बताते होंगे, लेट भी होते होंगे, कहीं जब क्रॉसिंग होती है तो बच्चे खड़े भी रहे ज्यादा देर तक, समस्या रही है? हाँ नहीं, समस्या है क्योंकि बच्चे जैसे रोड क्रॉस करते हैं भाई, छोटे बच्चे भी हमारे, बड़े बच्चे भी हैं, और पहले की इसके मतलब आने जाने में दिक्कत है बच्चों को, और इसके लिए हमने पहले भी खैर कहा था ग्राम प्रधान से भी और हमारे जो इंचार्ज प्रधानाध्यापक थे उन्होंने भी तहसील वगैरह में दी थी कि बच्चों को आने में हमें ही जब छुट्टी होती है या होते बच्चों का थोड़ा डर सा लगा रहता है, तो कुछ ऐसा हो जाए कि जैसे हमारे भी बच्चे मतलब सुरक्षा की दृष्टि से ठीक ठाक आ जाए, कोई ऐसी दुर्घटना ना हो बच्चों के साथ,
भविष्य में। अच्छा, यानी कि आप जो क्रॉसिंग हो जाए बच्चे अच्छी तरह से आ जाए, बच्चे अच्छी तरह से आ जाए। हाँ, ये चाहते हैं। ये कौन सी गाँव स्कूल? ये पंजीट है, ग्राम पंजीट है, उसका ये स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल पंजीट है। अभी परली साइड में? हाँ, वो प्राइमरी स्कूल उधर है और जूनियर हाई स्कूल पढ़ता है, सड़क क्रॉस करते हैं। अच्छा जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, यानी कि इससे पहले भी रोड था जी, था जी जी, तो उससे पहले कैसे मैनेजमेंट करते थे? पहले तो जी रोड हल्का चले था, हाईवे बनने पे तो जी ज़्यादा समस्या आएगी। वो अंडरपास जो आगे बनाया गया ककोर के दौर है, वो पंजीट रामड चुराहे के लिए था, वो उसमें ड्रिंक में ही उन्हें छेड़छाड़ करके उसने आगे पहुँचाया जी। ये भी है, इसमें पंजीट की 80% जमीन इधर है और गाँव के दो स्कूल है, एक कस्तूरमा गांधी पंजीट का और जूनियर हाई, यह स्कूल ही सड़क पार करके है इधर, और पुलिस चौकी पंजीट के नाम पे है, ये भी इधर है। तो इसमें समस्या एक्सीडेंट बहुत हो लिए, ये भी हमें 14 दिन के बीच में भी 13-14 एक्सीडेंट हो लिए हैं पार करने। तो भाई इस वीडियो ने इतना शेयर करिए ताकि सरकार और योगी सरकार तक पहुंच जाए भाई, और बड़ी समस्या भाई नज़र उठाते हैं। लगातार मैं इसी तरह से कवरेज कर रहा था, मैंने तो पता भी था, लेकिन समस्या बड़ी और आंदोलन छोटा है ना, समझ, आंदोलन तो छोटा ही है लेकिन बढ़ सका भाई। और बच्चे यहाँ पर, मतलब बच्चों ने बताया खुद अपने आप एंड का कि भाई एक्सीडेंट काफ़ी हुई भी है, चोट भी लगी है बच्चों को। तो सरकार इस पर भाई ध्यान दे, बातचीत करे, जो जायज़ मांग है उस पर सरकार काम करेगी, बिल्कुल करेगी, होगी है, और यह वीडियो कहीं ना कहीं पहुँचेगी। इस बार भाई इनकी मांग के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। अच्छा, स्कूल छठी और छठी से लेकर के कितने तक का है? आठवीं तक का स्कूल है ये। क्या पढ़ रहे थे आप ये? अच्छा, इंग्लिश पढ़ रहे हैं भाई, ये थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि लगातार हम उत्तर प्रदेश की चुनाव अभी कह रहे हैं कि स्कूल शिक्षा के ऊपर काम करेगी योगी सरकार ने, शिक्षा के ऊपर कितना काम करा, क्या करा, और देखते हैं बच्चे कैसी पढ़ाई हो यहाँ। अच्छी पढ़ाई होती है। सही पढ़ा हो टीचर जी? टीचर टाइम से आवे नहीं आवे? जी टाइम से आवे। टाइम से आवे? आप भी टाइम से आओ नहीं आओ जी? हाँ। कितने बजे स्कूल लगा जी? 8:45 बजे। 8:45 बजे? फिर टीचर कितने बजे आवे? टीचर कितने बजे आते हैं? हम तो टीचर से बाद में होगा। अच्छा, बाद में आओ। पहला आवे टीचर? पहला आवे टीचर? पहला आवे, हम बाद में आवे। ये आओ उल्टी करी, नहीं रियलिटी बता रही ना, वो बच्चे थोड़ा लेट आएंगे ना, स्टाफ पे लाता है। स्टाफ पे लाता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, स्टाफ में कितने हैं सर? स्टाफ में कितने टीचर हैं? 5% है यहां। 5%? अच्छा, 5%। हाँ, एक पूरे टीचर के अंदर है जी? नहीं, पूरे टीचर है, कंप्लीट स्टाफ है। अच्छा, बस थोड़ी रोड की समस्या है बच्चों को जो है। अच्छा, और कुछ नहीं, और कोई आप देख लीजिए बाहर जाके। अच्छा, एक बार बाहर आइए आप, देख लीजिए। चलो भाई चलो पढ़ो बच्चों। ओके, ओटी की भी सीम हो गई, पंजीट का मतदान, पंजीट का मतदान यही होगा। हाँ, पंजीट का मतदान ही सीम हो गया जी, भाई की मतदान होगा। हाँ, कुछ टाइम रह रहे बाकी, तो बात करिए स्कूल में आए थे यहाँ पर। तो हो गया भाई, खत्म करें वहाँ तो। चलो भाई, एक बार आ जाओ, क्या करें, आ जाओ एक बार मेरे के लो, आ जाओ कैमरा मैन स्पीड पर आ जाओ, मैं एक बार थर दूँ रोड और दिखा दूँ ना। चलो रहने दो वीडियो। हाँ जी, हाँ मैं वही जान लग रहा हूँ, एक बार थर दे दिखाया तुम्हें, किसकी बात हो रही थी, एक घंटे तक ले गया था, लगभग एक घंटे तक। अच्छा, ये स्कूल ही है भाई इस तरफ ना, और पुलिस चौकी भी है, और पुलिस में एफ आई आर दर्ज करूँगा कहीं ना कहीं चोट लग जाएगा। तो एक बार आ जाओ भाई, ए यू स्कूल है यहाँ, एक स्कूल ही है, एक स्कूल आगे है, ठीक है। और इस तरफ इनकी खेत खाद भी है जी आपके? अच्छा, खेत भी है इस तरफ। अच्छा, इस तरफ? हाँ, या तो देखिए मैंने पंजीट, बिल्कुल बिल्कुल यार। तो भाई इस पंजीट में आ रहा था मैं इस टाइम, कराना बाईपास और कराना भी मेन हो रहा था, किस पे बच्चों ने आवाज़ उठाई है, क्या मामला था पूरा, ये धरता दिखा दूँ मैं। हाँ, दिखा दिया मैंने, ये स्कूल देख रहे हो भाई इस तरफ भी, ये स्कूल है। हाँ, मैंने दिखाया दिया, दो स्कूल है और बच्चे भी आ रहे थे, काफ़ी बच्चे आ रहे थे भाई। तो अहम सवाल मैंने ये बात पूछी है भाई कि पहले भी तो रोड था, पहले इतनी कठिनाई आई थी, लेकिन उसके ऊपर पलटवार करते उन्होंने कहा कि भाई अभी वो जो एक्सप्रेस वे बन गया ना, मतलब तेज़ चल लग रहा है, तो यूँ देखो कि ये रोड गुजर ला रही है, गाड़ी गुजर ला रही इस तरफ से। ये पंजीट का चुराया है, ये इस तरफ पंजीट का गांव है, प्रधानमंत्री योजना का है जी, ये रोड जो है प्रधानमंत्री योजना का है। अच्छा, ये रोड जी जी जी। तो भाई पूरा जो खेत इधर है सारे, पूरा जो घमासान उठ रहा था मैं बताऊंगा, पूरा तोड़ के होया है, जहाँ मैं खड़ा हूँ इस तरफ, ये देखिए उस तरफ देखते होंगे आप, उस तरफ
उस महिलाएं ले रही उस वो रोड पंजीट का जो बच्चे स्कूल के आए थे, मैं बता दूं वे बच्चे स्कूल के आए थे तो यहाँ ना क्रॉसिंग कर दिया उनका चोट लग गई है। और रोड क्या आप दिखा दो मैं किस तरह कितनी स्पीड में चल रहा है, इवलो तो भी पूरा बनया भी नहीं है, पूरा बना उनका सर चल रह रही है। लेकिन यहाँ पर चौक पे कह रहे हैं कि जो वो पुल है ना वो पुल है यहाँ होना चाहिए था, हाँ, और उस पुल ने रद्द करवाने की मांग नहीं कर रही, यहाँ एक पुल होना चाहिए या फिर यहाँ भी बनाओ, हमें उस पुल से कोई समस्या नहीं, हमें पंजीट रामडा चुराहे पे पुल चाहिए, यहाँ पुल चाहिए उसकी हमें समस्या नहीं, हमें समस्या पंजीट रामडा चुराहे की है। ये राजधानी जो रोड बने हुआ है राजधानी उस इसका अपना यहाँ पुल चाहिए। चलो जी सरकार अगर परेशानी समझो बनाओ, हाँ अब देख लो परेशानी क्या है, स्कूल है दो स्कूल है पूरी चौकी है और गांव के 80% आदमी काश्कारी इधर इधर के हैं, सारी जमीन पंजीट की इधर है। चलो भाई सरकार इस पर ध्यान देवे और बात करने की हम भी कोशिश करेंगे जो यहाँ के एमपी और विधायक है कहीं ना कहीं।